और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज। नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध प्रदर्शन के दौरान सोमवार को दूसरे दिन भी दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। उत्तर पूर्वी दिल्ली में उपद्रवियों ने कई जगह पर पथराव किया और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान पथराव में जख्मी गोकलपुरी थाने के हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत हो गई। वही शाहदरा के DCP अमित शर्मा अस्पताल में भर्ती है, उनकी गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मोजपुर, करदमपुरी, चांदबाग, यमुना विहार, भजनपुरा और दयालपुरा समेत 10 इलाकों में फिलहाल धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस के मुताबिक जाफराबाद, मोजपुर समेत आसपास के इलाकों में CAA समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से पथराव हुआ। इस दौरान उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग भी लगा दी। मोजपुर में एक गोदाम को आग के हवाले कर दिया गया। वही भजनपुरा में एक पेट्रोल पंप को आग लगाने की खबर है। इलाके में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात है। इस बीच DMRC ने मोजपुर और बाबरपुर मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं।